कैसे आप सभी लोग, तरुण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आपके को मैं ये बता दूं कि आपके सामने वीडियो में आ ही रहा है कि मेरी गाड़ी में स्क्रैचेस हैं और ये काफ़ी पुराने स्क्रैचेस हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्क्रैचेस मुझे लग गए हैं। मेरी गाड़ी को एक साल हो गया और बेसिकली पहले हफ्ते में मुझे सारे स्क्रैचेस लग गए थे। तो एक हफ्ते से उसके बाद से आई वॉज वेटिंग कि सर्विस में हो जाएगा, लेकिन सर्विस में नहीं हुआ। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इनको ठीक कर दूं, बट देन फिर जो प्रोडक्ट्स को देखा, ऑनलाइन सर्च करा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी एक्सपर्ट के पास ले जाऊं, वो मेरे से तो अच्छा ही काम करेंगे। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूं, साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं कि गाड़ी काम होती है, कितने मेरे पैसे लगे इन सभी को ठीक कराने में, और इसके बाद कितना अच्छा इन्होंने काम करा है। तो अब अब क्या परफॉर्मेंस, अब कैसा मेरा रिस्पांस रहा है, अब पेंट वर्क कैसा रहा है, बेसिकली उस पर बात करते हैं। तो देखो, जैसा आपकी स्क्रीन पे भी आ ही रहा है, बिफोर की आपने वीडियो देख ही ली थी, ये आफ्टर वाली वीडियो है जिसमें आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे स्क्रैचेस थे, पता नहीं चल रहा है कि वहाँ स्क्रैचेस हैं। अब पैसा कितना लगा, मेन बात वो आ जाती है, कितना पैसा लगता है, ठीक है। दूसरी बात, समय कितना लगा, ये दो मेन चीज़ होती है। पैसा मेरा लगा 1000 रुपये, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 1000 रुपये लगे मेरे इसमें, ठीक है। पीछे आपने स्क्रैच देखा, साइड में देखा, आगे देखा, और डेंटेड स्क्रैच थे, ऐसा भी नहीं था कि नॉर्मल स्क्रैचेस हो, पेंट वर्क प्रॉपर होना था, तो थोड़ा सा इसमें लेबर लगना था। तो एक हज़ार रुपये तो पैसे लगे, लेकिन टाइम मेरा इसमें लग गया 5 घंटे। 5 घंटे का टाइम लग गया मुझे, कंप्लीट 5 घंटे लगे हैं। मैं लगभग ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब पहुंचा था इनके पास, और इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब फ्री करा है, ठीक है, ऊपर हो जा, हाँ, इन्होंने मुझे लगभग 4 बजे के करीब फ्री करा है। तो समय बहुत ज़्यादा लग गया, बट अगर मैं आपको एक सच सच बात बताता हूँ, अगर सिर्फ बात होती कि मुझे गाड़ी को सिंपल साफ़ रखना है, गाड़ी को ऑर्गेनाइज़ करना है, या छोटी मोटी बातें जिनका ध्यान रखना है, तो अगर ये चीज़ें होती तो मैं खुद ही कर लेता। पेंट वर्क, ये पेंट को ठीक करने वाले और स्क्रैचेस हटाने वाले एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपका खुद, अगर आपको नॉलेज है चीज़ों की, तो आप कर सकते हो। मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया। ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को ध्यान रखना है, वो मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो मेरी छोटी सी एक एडवाइस आप लोगों से यही है, अगर आप अपनी गाड़ी में स्क्रैचेस हैं, छोटे स्क्रैचेस हैं, वो रबिंग से गायब हो जाते हैं। रबिंग आप खुद कर सकते हैं, यही मेरा सेकंड पॉइंट आ जाता है इस वीडियो का, रबिंग के ऊपर। इन्होंने मुझे कहा था कि पेंट वर्क सारा हो गया है, इसको सूखने में, सूख तो वैसे पेंट चुका है, लेकिन एक होता है ना प्रॉपर सेटल होने में, एक दिन का समय दे दो, अभी पानी वानी कुछ मत लगाना, उसके बाद आप कल आके रबिंग करा लो। तो रबिंग का मैंने इनसे पैसा पूछा, तो ये मुझसे कहते कि रबिंग के एक्स्ट्रा 1000 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पर ये वो चीज़ है जो मैं खुद कर सकता हूँ, वो आप भी खुद कर सकते हो। रबिंग के प्रोडक्ट मेरे पास रखे हैं, अब जैसे रबिंग के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, बहुत सारी दुकानें, यार जाके बोल दो कि मुझे रबिंग के लिए क्रीम चाहिए, जो भी है वो आपको ले देंगे। जिस भी टाइप का सॉल्यूशन लोगे, जितना महंगा लोगे उतना अच्छा होगा, जितना सस्ता लोगे फिर उस लेबर ज़्यादा लग जाती है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि कौन सा लेना चाहिए। मैं वो खुद करूँगा, मेरे पास रखी है एक रबिंग सॉल्यूशन रखा हुआ है, मेरे पास रबिंग क्रीम रखी है, मैं वो खुद करूँगा। इसने एक दिन का समय बोला, तो मेरी जो अगली वीडियो रहेगी वो रहेगी इसमें, जब मैं इसकी रबिंग खुद करूँगा, मतलब इस वीडियो के बाद जो लाऊँगा। तो ये था, अब एंड में आपको मैं बिफोर और आफ्टर की क्लिप्स दिखा देता हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस हैं, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि वंस अ मंथ गाड़ी की पॉलिश करवाओ, हर महीने एक बार गाड़ी की पॉलिश करवाओ, ताकि इसका पेंट जो है वो बरकरार बना रहे और इसके ऊपर मिट्टी सेटल ना हो सके। जितनी पुरानी गाड़ी हो जाती है, वो उसका, मेरी वाइट कलर की है, तो जितनी पुरानी होगी वो वाइट फिर येलोइश टोन आ जाती है, साथ साथ उस पर मिट्टी बहुत जल्दी चिपक जाती है। मिट्टी चिपकेगी तो ऑटोमेटिकली येलो टोन तो देखो आएगा ही आएगा। तो आप लोगों के पास जिस भी कलर की गाड़ी है, आप अपना गाड़ी का ध्यान रखें, महीने में एक बार पॉलिश डेफिनेटली कराएं, इंटरनल भी करें, एक्सटर्नल भी करें, खुद कर सकते हैं तो खुद करें। मैं तो एडवाइस यही देता हूँ, अगर टाइम है आप लोगों के पास, छुट्टी का कोई एक दिन आता है, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, यार हम खुद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, अब बिफोर और आफ्टर इमेजेस आपके सामने आ ही जाएंगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी गाड़ी को बड़े स्मार्टली, सेफली और कम्फर्टेबली चलाएं।
साथ साथ अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस पे ध्यान रखें, इसको नया जितना हो सके उतना बनाए रखें, अच्छी रहती है चीज़ तो दिल से खुशी आती है। चलिए मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। ओके बाय।